जो जी, चूंकि गांव की सरकार की अगर हम बात करें तो ये नींव होती है। अगर नींव मजबूत है तो बिल्डिंग बहुत सालों तक चलती है। अपनी नींव को मजबूत करने के लिए, अपने गांव को मजबूत करने के लिए क्या रोड मैप आपने सेट किया है और कैसे उस पर अब आगे कदम बढ़ाना आपने शुरू किया है? सर, सलाम सर। हमारे गांव, आप बोलिए सर। सर हमारे गांव में पंचायतों का इलेक्शन होते 70 साल हो गए। जी 70 साल में सर हमारे रास्ते ऐसे हैं, हमारी पूरी फिरनी पे आज तक अभी एक टाइल नहीं लगी सर। हमारे कब्रिस्तानों के भी ऐसी हालत है सर, रास्ते उसके ऐसे हैं, अगर मैयत जाएगी तो दोनों साइड से कीकरों में मैयत भी फिर निकलने के लिए भी रास्ते नहीं है सर। हमारे बिल्कुल हम ब्लॉक से, बड़कली चौक से 1 किलोमीटर दूर पे हैं सर, जबकि हमारे गांव में आज तक कभी विकास कार्य का नाम ही नहीं आया सर। जी सर हमारा तो मेन मुद्दा ही विकास है, विकास के लिए ही इस गांव में आए हैं। हमारे गांव के अगर ट्रांसफार्मर फूक जाता है तो सर एक एक दो दो तीन तीन महीने तक ट्रांसफार्मर का नंबर नहीं आता सर। गरीब आदमियों के लिए मुहूर लगाने के लिए भी लोग इतने परेशान हो जाते हैं, सरपंच जो भी बने उनको वन साइड तो कोई मुहूर भी नहीं लगाता सर। जी हमारे गांव में हम सिर्फ विकास के लिए आए हैं सर, विकास का आज तक कोई नाम नहीं है। पेंशन नहीं बनती सर बुजुर्गों की, पेंशन में भी बहुत